Assalamu alaikum. Let us see how to draw fibrocartilage in a very short time. बस pink color लेना है और straight straight bundles of fibers dark color से draw करनी है, ठीक है? Like this, बीच में खाली जगह छोड़नी है, spaces छोड़नी है, and just draw straight bundle of fibers with dark colors. Like this, ठीक है? सारे में हमने draw कर दिए, जो बीच में हम जगह छोड़ेंगे, उसमें भी हम light color कर देंगे. Like this. ये हो गया, ठीक है. अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो बीच में हमने खाली जगह छोड़ी थी जो लाइट कलर है जिनमें, उनमें हमने सेल्स ड्रॉ करनी है पर्पल कलर से ऐसे, और एक लाइन में. ये सेल्स कभी भी लाइन के अलावा नहीं होते. जो फाइब्रोकार्टिलेज है उसका करेक्टरिस्टिक बात है कि जो हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स हैं दे लाए इन अ सिंगल लाइन, ठीक है. कुछ सेल्स हमने ड्रॉ कर दिए, देन इन सेल्स का न्यूक्लियस ऑफ कोर्स इनके अंदर होगा. न्यूक्लियस ड्रॉ कर देना. अब ये मेरी डायग्राम क्योंकि थोड़ी रफ लग रही है, जस्ट ड्रॉ क्लीन नाइस बाउंड्री अराउंड इट विद पर्पल कलर. लाइक दिस. एंड पिंक कलर को आप थोड़ा सा अच्छा बैठा लें, स्मूथ कर लें, ताकि वो अच्छे अच्छे आपके फाइबर्स पता चल जाए. कॉलेजन फाइबर्स होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा, थोड़े से इलास्टिक फाइबर्स होते हैं. सो इन दिस वे ये हमारा पूरा का पूरा ड्रॉ हो जाएगा फाइब्रोकार्टिलेज. अब मैं इसकी लेबलिंग बताती हूँ. यू कैन डू इट. ये सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, उसके बीच में ये मैट्रिक्स है जो लाइट कलर का है, ये जो डार्क कलर के हैं कॉलेजन फाइबर्स हैं हमारे पास सारे के सारे. एंड द लास्ट थिंग इज़ कि हम बताएंगे कि न्यूक्लियस ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस उनके अंदर है, एंड दे आर प्रेजेंट इन अ रो इन अ लेक्यूनी, जैसे ये तीन यहाँ प्रेजेंट है. पूरा फाइब्रोकार्टिलेज डन. कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क. थैंक यू.